गेस व्हाट, ये है आलिया और आशीष और हम जा रहे हैं बांग्लादेश। हम कहाँ जा रहे हैं आशीष, कहाँ जा रहे हैं बताओगे तुम? इससे पहले 3 ब्लॉग बनाए थे दुबई के, वो भी आज तक पोस्ट नहीं हुए। आप बहुत दिनों से बोल रहे हो कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि मैडम बहुत लेजी हैं, ये भूल जाते हैं कि व्लॉग हमारा एक व्लॉग चैनल भी है, इसमें 5,000-6,000 फॉलोअर्स हैं जो पागलों के जैसे वेट कर रहे हैं हमारी इंटरेस्टिंग व्लॉग देखने के लिए, लेकिन नहीं, हमें तो व्लॉग बनानी है। गाइस मैं आपको मिलती हूँ अंदर ट्रेन के, मैं आपको बताऊँगी हम कहाँ पे जा रहे हैं। इट्स अ सीक्रेट, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस। नहीं नहीं, मैं पिछले 3 दिन से बोल रहा हूँ कि व्लॉग बनाओ, व्लॉग बनाओ। अरे नहीं बताना उनको। किसको? अभी अभी बताना उनको, वहाँ पे पहुँच के बताना है। कहाँ पे? ये कटेगा अभी। मैं 3 दिन से बोल रहा हूँ। हम मैं नहीं बताऊंगा आपको हम कहाँ जा रहे हैं। दिस इज सरप्राइज। तो गाइस सरप्राइज। सो गाइस बाय बाय। गाइस हम तो बैठ गए अपनी अपनी जगह पे और हम गाइस आपको बताएंगे जब तक हम उतरेंगे नहीं। हम बहरीन में हैं। धीरा फिर कैमरा आते धीरा कैसे भाग रहे हैं। बहरीन में और यहाँ पे बहरीनी बहरीन हम जा रहे हैं। फाइनली हम रिव्यू करने वाले जा रहे हैं लंदन। फ्लाइट लंदन जाएगी, लखनऊ नहीं लंदन। आशु सोए तो कैसे रही नींद? हम कहाँ पहुँचने वाले हैं? पहुँच गए लंदन, पहुँचने में आधा घंटा और सो सकते हैं थोड़ा सा। अरे सोई। गुड मॉर्निंग गाइस, हम हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं लंदन और देखो इमिग्रेशन पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। अरे आप कुछ बोलना चाहेंगे इंग्लिश में, क्योंकि लंदन है इसलिए। देखा मैंने कहा था ना इंडिया के बारे में पागल हो जाती है। मेरा पहली बार, ये तो पहले आए हैं दोनों, मेरा पहली बार है लंदन। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे आज day 2 है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। अंदर तो हीटर्स लगे हुए हैं तो थोड़ा ठीक है। मैंने कल मेरी थोड़ी सी तबीयत नहीं, स्टमक अपसेट था तो मैं इतना खा नहीं पाई, लेकिन आज मेरा स्टमक एकदम सही है। आज बहुत सारा खाना खाऊंगी। धूप है अभी तो यहाँ पे, लेकिन ठंड बहुत है। ठंड 10 degrees होगा यहाँ पे टेम्परेचर। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो बाहर आलिया अभी वॉशरूम में है, आशीष नीचे गया है। बस मुझे ना बोला नहीं जा रहा, मुझे बहुत भूख लगी है तो मैं सो रही हूँ। तो हम आए हैं अभी फेमस पिकेट्री सर्कल में। इतना सुंदर जगह है, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और ठंड इतनी ज़्यादा है, फिर भी लोग आए हैं। ओ हाँ मैजिक। और यहाँ पे किसी की शादी हो रही है। शादी में हमको बुलाया भी नहीं, वेरी बैड। बुलाया भी नहीं, ये चर्च में शादी हो रही है। तो डैडी लिखा हुआ है। हाँ डैडी, आई थिंक किसी शादी हो रही है, शुगर डैडी। हाइड पार्क एक घंटे का रास्ता है और हाथ जाम हो चुके हैं मेरे। ये है हमारा day 3 और हमने प्लान किया था कि हम वॉक पे जाएंगे, तो हम लेट उठे, 10 बज गए। हम जा रहे हैं हाइड पार्क की तरफ वॉक करते हुए। सडनली वॉक करते करते इसको याद आया कि आशु ये हमारा ड्रीम था ना कि हम एक दिन लंदन में वॉक करें। बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके शूलेस खुल गए हैं। लंदन में वॉक करना, जब हाँ होटल ताज है वो। हाँ ये ताज होटल है, वो बताई थी आलिया। गंगा नदी है जो हरिद्वार से होते हुए बाकी पाकिस्तान अफगानिस्तान अलग कंट्री के रास्ते से। मेरी फोटो खींचो, मेरी फोटो खींचो। मस्ती है इंडिया की तरफ। फोटो खींच। मैरिड कपल आया है अपना फोटो खिंचवाने के लिए। प्री या पोस्ट वेडिंग शूट होगा, इंडिया में होता है प्री वेडिंग शूट, यहाँ पता नहीं ये प्री है पोस्ट है,
बहुत सारी फोटो, हमने बहुत सारी फोटो क्लिक की यहाँ पे। नताशा का फेवरेट सॉन्ग चल रहा है। वो ऐसे खड़ी हुई लगती है लंदन आए, लेकिन वो खड़ी हुई नहीं है, वो घूम रही है, बहुत स्लो घूम रही है, बहुत स्लो। मैं गया था एक बार लंदन आई पे, मेरे पैसे वेस्ट ही हुए थे, क्योंकि एक तो ये बहुत स्लो चलता है, बहुत बहुत स्लो चलता है, आधा घंटा लगता है। दूसरा, हाँ दूसरा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जो कि बहुत नहीं है। यहाँ की बसेस कितनी प्यारी हैं। हमने आप बुक कर लिया, फ्लैट बुक कर लिया हमने 1 BHK। इसकी चर्च है वो। चर्च ही क्या? हाँ। चर्च नहीं है, चर्च है वो। हम पहुंच गए हैं बकिंगम पैलेस, और ये और हमने अभी एक एक लड़की से पूछा तो हंसते हंसते बोलती या दिस इज बकिंगम पैलेस, तो हमको लगा शायद मजाक कर रही है, बट वो सच में हंसते हंसते बोल रही थी दिस इज बकिंगम पैलेस, बकिंगम पैलेस। यहीं पे हमारा शायद से मुझे जो लग रहा है, मैंने पता किया है, कोहिनूर शायद इधर ही है, बट मैं बात करूँगा अंदर जाके क्या करना है। ऐसे ऐसे लात मार के बाहर निकालेंगे ना तुम्हें। कोहिनूर लेके जाऊँगा मैं, कोहिनूर लेके आऊँगा आपको। मैं दिखाती हूँ रॉयल गार्ड, ये हिलते नहीं है बिल्कुल भी। वाओ, 0.5 पे दिखाती हूँ आपको। बकिंगम पैलेस के एंड में ये ऐसे सबके लिए वो है, इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश, और इस तरफ लिखा है इन द मेमोरी ऑफ 5 million वॉलंटियर्स फ्रॉम द इंडियन सबकॉन्टिनेंट अफ्रीका एंड द कैरेबियन हु फॉट विद ब्रिटेन इन द टू वर्ल्ड वॉर। फोर्ट गया, ज़बरदस्ती लड़ना ही पड़ा, इतने लोग मरे। ये देखो हम मेमोरियल बना रही है, इससे क्या होगा। हम पहुंच गए हाइड पार्क, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है ये स्टार्टिंग का एंड है, एक एंड से दूसरे एंड में पहुंचने के लिए कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। ये लंदन का सबसे बड़ा पार्क है, देखो कितनी बड़ी की लहरी है। की लहरी मेरा एक, मैंने अभी एक घर बुक किया है जो मैंने स्पेशल बनवाया पेड़ से, तो ये पूरा एक पेड़ है। हाँ। तो इसको मैंने कई साल तक इस घर को प्रिपेयर करने के लिए, कोई मेरे को 2 साल लगे, 200 ईयर्स। हाँ। मैं हाउस सूट दे रहा हूँ, दिस इज माई हाउस। अपने आप ट्री बंद करता है, ट्री खोलता है। ओके, दिस इज माई ब्यूटीफुल हाउस, वेरी नाइस। और ये टेरेस के लिए सीढ़ी है, इसका सपना था कि नताशा को हाइड पार्क, हाइड पार्क में एक क्यूट सी रिवर उसके पास ले जाके कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पिलाऊँ। तो फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं बगुला, अब हम अंदर जा रहे हैं। हाइड पार्क के अंदर एक लेक है, इतना अच्छा माहौल है, मौसम बहुत ठंडा है। हमारा आज आखिरी दिन है लंदन में, हम फिर से आए हैं घूमने के लिए, फिर से देख लें एक बार। हमें यही पता नहीं चल रहा कि ये बिल्डिंग कौन सी है, कोई बोल रहा ताज है, कोई बोल रहा पार्लियामेंट है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या है ये। कल जा रहे हैं हम, कल जा रहे हैं। ये लंदन का फेमस बूथ है, यहाँ पे लाइन लगी है फोटो क्लिक करने के लिए, इसके पीछे ये भी। हाँ, हम जा रहे हैं, एक कैफे है, कॉफ़ी पीने के लिए जा रहे हैं हम। कि आलिया बोल रही है कि मुझे यहाँ पे मॉल बनवा दो, वो इतना भागेगी, दौड़ेगी, कूदेगी, खेलेगी, सब करेगी वो। एक एक वो शॉप पे जा पे वो करूँ, शॉपिंग करूँगी मैं। अभी एल्वी, अभी बर्बरी, अभी लुई वुइटन, हुर बनेगा हाइड पार्क में मॉल। हम बनाएंगे। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हम एक म्यूज़िक वीडियो के लिए आए थे यहाँ पे, वो पूरी हो गई, हमने एक्सटेंड करके रहे हम यहाँ पे, और पैदल चल के हम बहुत लंबा लंबा गए 8। पहले बहुत ठंडा रहा 2-3 दिन, आज ठंड नहीं थी इतनी, आज मतलब बिल्कुल अच्छा मौसम था। दुबई पहुँचने वाले, लंदन से फ्लाइट है हमारी, मतलब मैं पिछले, आशीष बैठा है बगल में, पिछले 7 घंटे की फ़्लाइट है बेसिकली लंदन से दुबई। तो मैं पिछले 5 घंटे से तो मैं सो ही रही थी, फिर ये लोग पीछे जाके लाउंज में जाके मस्ती कर रहे थे, तो मैं भी उठ गई, सिर्फ उठाया बीच में,
सुबह उठ गए, पीछे जाके मस्ती करके आए, बहुत खाया पिया, ताक्षरी खेली हमने। तो गाइस हम आपको मिलते हैं पीछे जाके, बाय। पागल है, हम पहुंच गए मुंबई और नताशा ने बहुत कमाल का ब्लॉग बनाया, डिटेलिंग में काफ़ी बहुत। अगर आपको कुछ समझ में आया तो प्लीज़ माफ़ करना, हमारा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।